पूरे आलम इस्लाम के हुक्मरानों को मैं ये बात सुनाना चाहता हूँ कि कामयाबी खारिज अज मिल्लत से नाकामी भली, कामयाबी खारिज अज मिल्लत से नाकामी भली, लुत्फ़े दुश्मन से ही शोहरत हो तो बदनामी भली। बेवफा तुमको कहे अहले हरम इससे बचो, और दैर वाले कज अदा कह दें तो ये बदनामी भली। जिन्ना यार खरीद न कीता एटम बम हो दिया शाहीन ते गौरी हो दिया। हमारी एक तकरीर लाओ ना जिसके अंदर हमने मुल्क और मिल्लत के खिलाफ कोई बात की हो, लेकिन वो मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, तुमने हुजूर से बेवफाई की। अब बताओ न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। हम तो पी गए और जो बातें आज हो रही हैं तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। तुम लातशरून के दर्जे में चले गए। हर चीज की माफी हो सकती है, लेकिन जब रसूलुल्लाह से गद्दारी हो जाए फिर इसकी माफी नहीं है। तुमने समझा था वो एक बाहर फिर रहा है, वो कहता है ये गद्दार है, ये कहते हैं वो गद्दार है, अब है कौन? ये फैसला आने वाला वक्त कर देगा। फिर के गली गली तबाह और ठोकरे सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों।